तहफ्फुज़ दीन ने कर दिया है नाम रकम ज़हन ओ दिल का कुंसिता हो रहा है इससे न मेरी उल्बत मदीने से यूं ही नहीं आका करो जाऊं मदीने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رحمة مهداة او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم तारीख़ ने पूछा ए लोगो ये दुनिया किसकी दुनिया है। तारीख़ ने पूछा ए लोगो ये दुनिया किसकी दुनिया है। शाही ने कहा ये मेरी है। शाही बादशाहत मुलुकियत। शाही ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने यह मान लिया। फिर तख्त बिछे ऐवान सजे घड़ियाल बजे दरबार लगे तलवार चली और खून बहे इंसान लड़े इंसान मरे दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया पहचान लिया। तारीख ने पूछा फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है। दौलत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर बैंक खुले बाजार जमे व्यापार बढ़े इंसान लुटे इंसान बिके आराम उड़े सब चीख उठे दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया पहचान लिया। माशाल्लाह। तारीख ने पूछा फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है। मेहनत ने कहा ये मेरी है। मेहनत सरमायादार निज़ाम का मुकाबिल कम्युनिज्म।
मेहनत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया, फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे हैवान बने, दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया, पहचान लिया। क्या कहना। तारीख ने पूछा फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है, मोमिन ने कहा अल्लाह की है और दुनिया ने यह मान लिया। फिर कल्ब नजर की सुबह हुई, एक नूर की लय सी फूट बही, एक एक खुदी की आंख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी, दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया, पहचान सुभानअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहना। पानी ये है, पानी तो पानी। और उन्वान और मौजू की मुनासबत से भी बराह रास्त खाक का एक जर्रा जिक्र महवशां कैसे करे, खाक का एक जर्रा जिक्र महवशां कैसे करे, इश्क के राज़े निहां को वो इयां कैसे करे, मदह आका की गदाए बेनिशां कैसे करे, माशाल्लाह मुश्क से धोए जबां को फिर बयां ऐसे करे, कुश्त बेतगम बाशव तुर्क नाजुक पे करे, खुश बयाने मेहरबाने जाने जाने दिल बरे, माशाल्लाह नात पढ़ता हूँ तेरी आकाए मन शाह जमन, नाम तेरा कितना प्यारा पाक तन पाकीज़ा मन, खंदरू रोशन जबी गुंचा देहन शीरी सुखन, नखते जुल्फे मुअंबर पर फिदा मुश्के खुतन, सुभान अल्लाह यासमन रश्के समन जाने चमन या जाने मन, आशनाए दिल रुबाए खुद नुमाए खुद सरे, तू है बहरे बेकरां और मैं जरासी आब जू, ए सरापा नूर तू है दो जहां की आबरू, मरहबा सल्ले अला जाने जहाने रंगो बू, कैसरियत तेरी आमद से हुई है जर्द रू, बेशक कुफ्र सोजे दिल फरोजे खूब रू आहिस्ता खू, पाक दीने पाक बीने खुश तरज हर खुश तरे, सुभान अल्लाह सुभान अख्तरे ताबा कहूं या एक महे कामिल तुझे, मैं कहूं कौनो मकां की जान या फिर दिल तुझे, माशा दिल मैं समझता हूँ निशाने ज्यादा हो मंजिल तुझे, वाह दिल खींचे बेसाख्ता वो है कशिश हासिल तुझे, नाजनी ने महजबी ने दिल कशे या दिल कुशे, जा गुदाजे दिल नवाजे गौहरे या अख्तरे, कूचे जाना गए तो बन के दीवाना गए, ऊंचे जाना गए तो बन के दीवाना गए, बादए इश्क मोहब्बत पी के मस्ताना गए, वाह 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 सब्र आया जब ना हमको फिर तो रोजाना गए, वाह 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 नातिये पढ़ते हुए बे इख्तियाराना गए, सादए आजादए मस्तानए जानानए, मस्त चश्मे देर खश्मे तुरफ जेबा मंजरे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमा। बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हम गुनाहगारों पर बहुत मेहरबान हैं, अल्लाह ताला की अजीब शान है, उनकी रहमत के लिए कोई भी शर्त नहीं है, हम जैसे कि भी हैं अल्लाह की रहमत मिलती रहती है। अल्लाह ताला की रहमत का ताल्लुक हमारे मामलात से नहीं है, अल्लाह की सिफात से है।
رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے اور اللہ کی صفات کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے. ہم جیسے بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور نعمتوں کا تسلسل ہوتا ہے. اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے, آزاد شاعر ہیں آپ سمجھ جائیں گے. انہوں نے ایک شعر کہا, دی فرصت گناہ اور وہ بھی چار دن, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. فیض کا شعر ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت مولانا شیخ ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, کہ جب میں نے یہ شعر پہلی بار پڑھا تو مجھے بہت برا لگا کہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے. دی فرصت گناہ اور وہ بھی چار دن, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. تو حضرت نے اس کو بدلا, انہوں نے فرمایا, ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. واہ 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 واہ. ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ, ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. واہ واہ سبحان اللہ. حوصلے کا لفظ یہاں اس شعر کی وجہ سے آیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک معاملہ ہم گناہگاروں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہم سب کو سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت عطا فرما دی. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور خاص رحمت ہے. آج ہم یہاں جو جمع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کے عنوان سے جمع ہیں, آپ کی شریعت ہی کے عنوان سے جمع ہیں, آپ کی سنت کے عنوان سے جمع ہیں. مرکز آپ کی ذات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ذکر کریں اور اپنی قسمت کو سنواریں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سب تک پہنچا دے. سیرت پر بات ہے, مسل موضوع وہی ہے, مگر جب اس موضوع کی بات ہوتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ یہ منہ اور مسور کی دال. ہم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کریں, ہم جیسے گناہگار سبحان اللہ, ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر ہم اپنے منہ کو ہزار بار مشک و گلاب سے دھو لیں پھر بھی آپ کا نام لینا ہی بے ادبی ہوگا, اس لیے کہ منہ تو پھر بھی ہمارا ہی رہے گا نا, وہ ہم گناہگاروں ہی کا رہے گا. دانتوں کو پسینہ آتا ہے, موضوع ایسا ہے, اور موضوع ایسا ہے, اشعار تو بہت ہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مگر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے مرزا غالب پر. غالب کتنا آزاد آدمی ہے اور اس کی جو شاعری ہے اردو شاعری آج تک اردو دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور خود اس کو اپنی فارسی شاعری پر ناز ہے. اس فارسی کلام میں اس نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتم, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب آقا کی تعریف تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی, اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے. ماشاءاللہ بے شک بے شک. اب جب غالب جیسا آدمی یہ کہہ دے تو ہم جیسے مغلوب کا کیا ہوگا, ہم کیا کہہ سکیں گے. صحیح بات.
सिवा इसके क्या कहें कि कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, क्या बयान करेंगे और कैसे बयान करेंगे। बहुत अच्छा, बेशक अजीब शान है, अजीब शख्सियत है। और उसके अलावा बिल्कुल सादा सी बात है कि हम सब मिलकर भी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतों को बयान करें तो अजमतों का दफ्तर मुकम्मल नहीं होगा और आपकी अजमत में हमारे बयान से कोई इजाफा नहीं होगा, इसलिए कि आपका जिक्र खैर वहां से हुआ है जहां से किसी और का नहीं हो सकता। अभी कारी साहब जो पढ़ रहे थे, वरफअना लका ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यह आयत इतना सा जुमला है, छोटा सा टुकड़ा है, हमने आपके लिए आपके जिक्र को उठा दिया, बुलंद कर दिया। लेकिन एक जरा सा गौर करें आप उस जमाने पर जिस जमाने में यह आयत नाजिल हुई है, यह मक्की सूरतों में से और इब्तदाई दौर की सूरतों में से हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मक्के की जिंदगी में फरमा रहे हैं वरफअना लका ज़िक्रक। आज की बात नहीं है, आज तकरीबन 1400 बरस की एक तारीख है, तवील तारीख है, सारी दुनिया पर फैली हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत और आपकी अजमत और दुनिया के तमाम इंसानों के मुकाबले में आपकी शख्सियत का अजीम होना यह एक मुसल्लम हकीकत है जिससे कोई इख्तलाफ नहीं करता। जो मुखालफत करने वाले हैं अंदर से वो भी तस्लीम करते हैं, यह हमें मालूम है, यह हमें मालूम है कि आज भी एक तबका ऐसा है, अगर मुझे याद रहे तो मैं आखिर में इसके बारे में कुछ अर्ज करूं। आज भी एक तबका, याद दिला दीजिएगा दिफा के सिलसिले में, एक तबका है जिसने अपनी किस्मत को सियाह करने का इंतजाम कर रखा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर करके। और गुस्ताखियां वैसी नहीं जैसे कार्टून बना दिया या एक आध जुमला कह दिया, बल्कि मिशन है बाकायदा। इसके बावजूद हमें ये यकीन है कि अगर उनके दिल पर हाथ रखकर उनसे पूछा जाए तो वो ये कहने पर मजबूर होंगे कि हम अपनी दुनिया के लिए ये कर रहे हैं, हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल नहीं है, कोई नमूना नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त में जब ये सारी तारीख नहीं थी, जब सारी दुनिया का वो एतराफ नहीं था, आज तो हम ये जानते हैं लाखों किताबें, कोई मुबालगा नहीं है, मुझे तो ये याद पड़ता है कि सीरत के मौजू पर 2 लाख से ज्यादा किताबें आज तक लिखी जा चुकी हैं, मैंने कहीं पढ़ा है, लाखों किताबें हैं, हजारों और लाखों शुआरा के अकीदत के नजराने हैं और खुतबा के बयानात के को अगर शुमार करें तो वो तो करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। ये एक तारीख है पूरी, इसमें से कुछ भी नहीं था। आपके मानने वालों की तादाद उंगलियों पर गिने जाने के लायक थी उस वक्त में, जब आपके मानने वालों के लिए अरसे हयात तंग था, कोई दिन नहीं गुजरता था कि आपका कोई मानने वाला कुफार की तरफ से जख्मी होकर ना आए, पिटाई खाकर ना आए, तकलीफें उठाकर ना आए। और जिस शहर में आप रहते थे वहां के रहने वाले ताकतवर लोगों ने आपको इतना कमजोर समझ रखा था कि वो बहुत आसानी के साथ ये काम कर सकते थे कि आपके रास्ते में कांटे बिछा दें, एक मामूली सी बुढ़िया, वो ये काम कर सकते थे कि आपके ऊपर कूड़ा डाल दे एक औरत, वो ये काम कर सकते थे कि सजदे में आपके गर्दन मुबारक पर गंदगी रख दे, वो ये काम कर सकते थे, ये जसारत वो करते थे कि आप पर पत्थर बरसाएं, वो ये काम करते थे कि तालियां बजाएं, सीटियां बजाएं, आपका मजाक उड़ाएं। जरा सोचें कि ये काम कितने कमजोर आदमी समझकर किया जा सकता है, जिस आदमी की तरफ से जरा भी बदला मिलने का अंदेशा हो उसके साथ कोई ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता। उस माहौल में जहां कहने वाले पेशीनगोइयां दे रहे थे,
कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनके कोई बेटा नहीं है, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, ख़त्म हो जाएगा इनका नाम। उस माहौल में जब ये बात कहने वाला शायद ये समझता होगा कि मैं सारी दुनिया में जिंदा रहूँगा, मैं क़यामत तक जिंदा रहूँगा, उस माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटा सा एक जुमला फरमा दिया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हमें मालूम है, हमें यकीन है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको पूरी तरह समझ लिया होगा, मगर इस उम्मत को समझने में तो वक्त लगा, इस उम्मत की समझ में तो बाद ही में आया ना कि ये कैसा कैसी बात है कि अल्लाह ने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और आज आज दुनिया का जुग्राफिये का तालिब इल्म ये समझता है कि दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के का नाम मुबारक अल्लाह ताला के नाम मुबारक के साथ बुलंद न किया जा रहा हो। मालूम है नमाजों का वक्त सारी दुनिया में एक साथ नहीं होता, एक इलाके में होता है, वहाँ ख़त्म होता है तो अगली जगह शुरू होता है, वहाँ से फिर आगे शुरू होता है, मशरिक़ से शुरू होकर मगरिब की तरफ बढ़ता रहता है, फिर वापस वहीं शुरू हो जाता है। 24 घंटे का कोई वक्फ़ा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें सैकड़ों हज़ारों अल्लाह के नबी के मतवाले, नाम के मतवाले कानों में उंगलियां रखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हों। बेशक। तो अब जब वहां से ये काम हो चुका तो अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? आपकी शान के सिलसिले में, आपकी अजमत के बयान के सिलसिले में क्या कर सकते हैं? लेकिन जाहिर है कि जब नहीं कर सकते तब भी करना है, कुछ नहीं हो सकता तब भी करना है, किसी लायक नहीं है तब भी करना है। और क्यों करना है? इसलिए कि अगर हम आपकी अजमत का बयान ना करें, अगर आपका जिक्र खैर ना करें तो फिर किसका करें? सवाल यह है कि फिर किसकी बात करें? हम अगर बयान करें, हम अगर जिक्र करें तो क्या दुनिया के उन बादशाहों का जिनकी सारी ताकत, सारी तवानाई, सारे वसाइल एक दूसरे से लड़ने में खर्च हो गए और एक दूसरे से मुल्कों के कब्जे लेने और देने में खर्च हो गए, उनका जिक्र करें हम? क्या हम उन उलुल अज़्म कहलाने वाले कमांडरों का जिक्र करें जिन्होंने फुतुहात के जरिए एक दुनिया को तह तह कर डाला सिर्फ अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए और अपने बादशाहों की हुकूमतें कायम करने के लिए लाखों और करोड़ों इंसानों को उन्होंने भून डाला, उनका जिक्र करें या और किसका करें? आखिर हम जब देखते हैं कि हमें बोलना है तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि हमें बोलना चाहिए और जिक्र करना चाहिए सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना व मौलाना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। और इस वक्त एक मुनासिबत भी है, आपका जिक्र खैर तो मुसलमान को हर वक्त करना है, सारे साल करना है, साल के हर दिन में करना है, लेकिन इस वक्त जो मुनासिबत है माह रबीउल अव्वल, मेरे मोहतरम दोस्त हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब अभी फरमा रहे थे रबीउल अव्वल की बात। हम ये सोचते हैं कि बेशक रबीउल अव्वल के नाम पर जो जो दुनिया में होता है वो गलत जो किया जाता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत और आपके सहाबा की सीरत और आपके तरीके से हटकर दुनिया में जो जो कुछ किया जा रहा है वो सब गलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपकी सुन्नत से हटकर कोई काम करने का हमें इख्तियार नहीं, मगर इतनी बात तो माननी पड़ेगी कि जिस माह मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और गोया दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया को मिली वो माह मुबारक तो कहलाएगा, उसमें बरकत तो आएगी, लिहाजा हम उस बरकत को मानते हैं, उस बरकत को तस्लीम करते हैं। अलबत्ता ये कहते हैं कि इस बरकत को
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम करके खत्म ना किया जाए। अल्लाह अकबर, बहुत खूब, माशाल्लाह। बस हमारे पैगाम का खुलासा ये है कि माह रबीउल अव्वल को उस तरह ना मनाइए जिस तरह आपने नहीं मनाया, सिद्दीक अकबर ने नहीं मनाया, फारूक आजम ने नहीं मनाया, उस्मान गनी ने नहीं मनाया, अली मुर्तजा ने नहीं मनाया, सहाबा ताबईन ने नहीं मनाया, अइम्मा मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से वो ताल्लुक पैदा कीजिए कि सारा साल गुजर जाए हुजूर की बातें करने में, और जिंदगी का हर दिन खर्च हो जाए आपको याद करने में, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में इस तरह उतारिए कि साल भर में एक दिन का जलसा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत का मुताला करके आदमी को महसूस हो कि वो सीरत का एक जलसा सुन के आया है। आपको वो देखे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, तो वो गिन सके कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें ये और ये हैं, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये और ये है, ये मिजाज और ये गोया आदत और ये तरबियत आम करने की ज़रूरत है। बेशक। तो अब जाहिर है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम बात करेंगे तो उस पर एक और पहलू से बात करते हैं, और वो ये कि हम आपका जिक्र खैर क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या मकसद है हमारा। तो सीधी सी बात है, हमारा मकसद है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कोई निस्बत हासिल कर लेना, अपना रिश्ता कायम कर लेना। आप इस ज़माने के हालात को भी जानते हैं और मुसलमानों की परेशानियों को भी जानते हैं, मुसलमानों की जो कसमपुरसी है उसको भी जानते हैं, ज़ौफ को भी जानते हैं। हम सब एक नुक्ते पर गौर कर लें कि हमारे पास हमारा दीन कानून की शक्ल में कुरान और आपकी सुन्नत, और नमूने की शक्ल में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत, इतनी ताकतवर चीजें मौजूद हैं कि दुनिया में मुसलमान के अंदर कमजोरी आने का मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि उसका रिश्ता इन ताकत के मरकजों से टूटा हुआ है, और कोई वजह नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें इस पर गौर करना है कि हमें यह निस्बत पकड़नी है, इस निस्बत को हासिल करना है। अब मेरे बुजुर्गों, जरा गौर फरमाएं कुरान और हदीस की रोशनी में और तारीख की रोशनी में, इस उम्मत की तारीख की रोशनी में। मैं चंद मिसालों से यह अर्ज करूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत अगर मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा, क्या ताकत मिल जाएगी, क्या तवानाई मिल जाएगी, क्या चीज हासिल हो जाएगी। तो सुने, गौर फरमाएं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है वो अजीब निस्बत है। निस्बत है मिली मक्का मुकर्रमा के रहने वाले एक सीधे साधे आदमी को। इस्लाम से पहले, इस्लाम के आने से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने से पहले, मक्के में अबू बकर नाम के एक साहब रहा करते थे, जैसे सब आदमी थे वो भी एक आदमी थे, कोई बहुत बड़ी बात उनके बारे में लोग नहीं जानते थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी उनको समझा जाता था। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत मिल गई तो आप गौर फरमाएं कि दुनिया को, दुनिया की तारीख में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे बड़ी शख्सियत मिल गई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की शक्ल में। अजीब ताकतवर शख्सियत है अबू बकर सिद्दीक की। जो शख्सियत है उस पर आप जितना गौर करेंगे उनकी ताकत का आपको अंदाजा होगा। और ताकत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की भरपूर निस्बत। और अजीब बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत जिस दर्जे में अबू बकर सिद्दीक को मिली शायद किसी और को नहीं मिली। नतीजा ये निकला कि वो हर एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमूना बन गए, और अल्लाह ताला ने भी ये कुरान में बताया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने
उनको तसल्ली देने के लिए जो जुमला कहा उसमें उनको अपने साथ शामिल करके कहा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, यानी मेरे भी साथ है और तुम्हारे भी साथ है। ये उलमा ने नुक्ता लिखा है कि हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम जब दरिया के किनारे पहुंचे और फिरौन का लश्कर पीछे से आया और बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था, कल्ला ऐसा नहीं होगा, इन्ना मईया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उन्होंने फरमाया मेरे साथ मेरा रब है। और जब सिद्दीक अकबर ने गार सौर में परेशानी का इजहार किया कि ये लोग आपको देख न लें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की गवाही है ला तहजन इन्नल्लाह माना, आप घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी। ये निस्बत की ताकत है जो सिद्दीक अकबर को मिली और ऐसी शख्सियत सामने आई। मुझे सिद्दीक अकबर की तारीख अगर बयान की जाए तो जाहिर है कि उसी पर एक मुस्तकिल बात हो सकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के तो अदना गुलामों के कारनामे इतने बड़े हैं कि वो बहुत कुछ हैं, और ये तो आपके सबसे बड़े गुलाम हैं, ये तो आपके सबसे शानदार सहाबी हैं, इन पर बात की जाए तो क्या। लेकिन एक जुमला याद आता है जो हजरात सहाबा का तबसरा है। हज़रत सहाबा ने सिद्दीक अकबर का जो किरदार हुजूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद देखा कि पहाड़ की तरह जम गए। और वाकया ये है कि सबब की दुनिया में अल्लाह ताला ने इस्लाम के कदमों को जमाने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्तेमाल किया। सहाबा कहते हैं कामा मकामल अम्बिया, नबियों की कायम मकामी का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर, जिस मकाम पर अंबिया खड़े होते थे उस मकाम पे खड़ा होकर सिद्दीक अकबर ने दिखाया। बेशक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, लेकिन नबियों का सबसे ज्यादा मुमासिल कोई हो सकता है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये निस्बत है, ये निस्बत मिली एक और साहब को। कौन थे वो साहब? मक्के में ऊंट चराया करते थे और उनकी मायूं कहा करती थी कि तुझसे तो ढंग से ऊंट भी चराने नहीं आते तो क्या करेगा दुनिया में। अल्लाह, खिलाफत के जमाने में एक बुढ़िया पकड़ के खड़ी हो गई, तुम वही तो हो ना जो मक्के में ऊंट चराया करते थे और हम तुम्हें उमर कहा करते थे, छोटा सा उमर, ये थी तुम्हारी हैसियत। फरमाया हाँ मैं वही हूँ, मेरे अल्लाह ने, मेरे हुजूर की निस्बत ने मुझे उठाया है। अजीब बात है, वो एक मामूली इंसान मक्के का रहने वाला जिसको मक्के वाले एक गुस्सावर इंसान की हैसियत से जानते थे, बहादुर भी था वो अपनी जगह, उसके अलावा उसके अंदर कोई खास बात नहीं महसूस होती थी, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत का हामिल बनकर जब दुनिया के सामने आया तो अकेले उमर इब्ने खत्ताब, मुझे जैसा याद पड़ता है 20 लाख मुरब्बा मील इलाके के फातेह कहलाए। बेशक, और इस शान से हुकूमत की कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हुई कि उमर जैसा कोई और हुक्मरान अगर इस्लाम को मिल जाता तो दूसरे मजहब अजायब खानों में जगह पाते। क्या अजीब है निस्बत है, निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बैतुल मुकद्दस पहुंचे हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मंजर है। मैं सारी तफसील छोड़कर एक बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वहां के यहूदी मजहब के उलमा किताबें उठाए फिर रहे हैं और वो उन अलामतों को देख रहे हैं जो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, और वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को देख रहे हैं और फिर वो कहते हैं यही वो आदमी है जिसके बारे में हमारी किताबों में बताया गया है, वो आएगा, हमें उसके हवाले इस शहर को कर देना है, उससे हमें मुकाबला नहीं करना है। ये निस्बत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरे बुजुर्गों, ये निस्बत मिली मक्के के रहने वाले एक सीधे साधे आदमी को, एक शरीफ आदमी को, तो अल्लाहु अकबर, दुनिया के सामने एक ऐसा इंसान आया जिसके लिए बहुत आसान थी ये बात कि अगर दीन के लिए जरूरत पड़े तो वो एक वक्त में 300 ऊंट मा साजो सामान के अल्लाह की राह में सदका कर दे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी शख्सियत सामने आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं। ये निस्बत ऐसी अजीब निस्बत है कि मिली
किसी को भी मिल सकती है, अपने घर के भी एक आदमी को मिली, बहुतों को मिली, चचा के बेटे को मिल गई। चचा के बेटे तो बहुत थे, बहुत सारे चचा थे और उनके बेटे भी थे, लेकिन निस्बत मिली सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करम अल्लाह ताला वजाहू को, तो अल्लाह अकबर दुनिया के सामने इल्म का और हिकमत का और तदब्बुर का और कदा की सलाहियत का अजीब व गरीब नमूना सामने आया। एक एक इरशाद, एक एक जुमला हिकमतों से भरा हुआ है और इल्म के दरवाजे खोल देता है। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे बुजुर्गो सर मक्की वालों को नहीं मिली, सबको मिली, सब जगह के रहने वालों को मिली। मिसालें तो सहाबा की मिसालों की बात तो यह है कि बेअयिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, आप जानते हैं। लिहाजा किसी भी सहाबी को की सीरत को उठाकर आप देखेंगे तो ये हमारी बात का सबूत मिल जाएगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत इंसान को कहां पहुंचाती है। मगर एक मिसाल जिक्र किए बगैर नहीं रहा जाता। हबशा के रहने वाले एक काले कलोटे आदमी को निस्बत मिली, बिलाल नाम है, मक्के के एक मालदार का गुलाम है। जाहिर गुलाम की उस माशरे में क्या हैसियत है, वो अल्लाह के नबी की निस्बत पा लेता है तो अजीब ताकत पैदा हो जाती है उसकी शख्सियत में। कोई गुलाम अपने आका के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आका अगर कोई हुक्म दे तो गुलाम की ये जुरत नहीं हो सकती कि वो उसके खिलाफ जर्रा बराबर भी किसी बात का इजहार कर सके। मगर बिलाल हबशी के सीने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत पहुंच गई तो अब चाहे आग के अंगारों पे लिटा दिया जाए, चाहे जो तकलीफ दे दी जाए, ताकत ये पैदा हो गई कि वो अपने तमाम मुखालिफ ताकतवर इंसानों के जवाब में नारा लगाता है, अब अल्लाह अहद के अलावा कुछ कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुम्हारी बात नहीं माननी है। मेरे अंदर ये दम पैदा हो गया, ये ताकत पैदा हो गई है कि अब मैं तुम्हारी बात को तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर रद्द कर सकता हूं। और क्या शानदार बात कही, इकबाल की नजम शायद आपने पढ़ी होगी, बिलाल उसका उनवान है रजी अल्लाह ताला अन्हु। अजीब सूझी अल्लामा इकबाल को, उन्होंने मुआजना किया है तारीख की दो शख्सियतों का। लिखा है एक मगरबी हकशनास ने अहले कलम में जिसका बड़ा एहतराम था, इस शेर से नजम शुरू होती है, उसमें वो लिखते हैं कि दुनिया की तारीख का एक मशहूर फातह है जिसको आप सब जानते हैं सिकंदर रूमी के नाम से। क्या ताकत थी उस शख्स की, क्या उसकी बहादुरी थी, कैसी फतूहात उसके कदम चूमती थी। उसमें यह है कि उसके सामने जो दावा किया था पौरसो दारा ने खाम था, ईरान के वो ताकतवर बादशाह और जर्नेल, उनकी सारी ताकत पत्तों और तिनकों की तरह उसके सामने उड़ गई थी। और वो इतना ताकतवर इंसान था कि उसने तकरीबन आधी दुनिया को फतह कर लिया था सिर्फ 32 साल की उम्र में, मर गया था 32 साल में वो, उससे पहले पहले आधी दुनिया को उसने फतह कर लिया था। ये तो एक शख्स था तारीख का, और दूसरी तरफ एक शख्स है बिलाल हबशी, वो आधी दुनिया क्या, शायद आधा घर भी ढंग का उनके पास नहीं होगा। इकबाल पूछते हैं कि ये बताओ आज की तारीख में इन दोनों में से जिंदा कौन है, कहीं देखा है तुमने कोई आदमी जो यूं कहता हो मेरा सिकंदर रूमी से रिश्ता है, मैं सिकंदर रूमी की औलाद में हूं, या मैं सिकंदर रूमी के तरीके पर चलने में कोई इज्जत और फख्र महसूस करता हूं, मेरा आइडियल मेरे लिए नमूना सिकंदर रूमी है। नहीं, मगर बिलाल हबशी के नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए हजारों मस्ताने दुनिया में मौजूद हैं, और बिलाल हबशी की सुन्नत को जिंदा करते हुए कानों में उंगलियां देकर रोजाना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएं लाखों करोड़ों इंसान बुलंद करते हैं। और इकबाल ने कहा रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। वो हबशा के रहने वाला गुलाम, मक्के के मुआशरे में गुलाम की कोई हैसियत नहीं, मगर जब बिलाल हबशी का इंतकाल होता है तो मक्के के और अरब के वो आजाद लोग, वो जो अब सहाबा किराम बने हुए हैं अल्लाह के नबी की सोहबत से, वो कहते हैं अल यौम माता सैयदुना, आज हमारे आका का इंतकाल हुआ है। बिलाल हबशी ने अरबों की जबान से अपने आप को आका कहलवाया। और
कयामत तक के इंसान बिलाल हबशी हों या सहाबा में से कोई भी, सब के नाम पर जान कुर्बान करना और उनके उनकी गुलामी में अपना नाम लिखवाना अपनी सबसे बड़ी सआदत समझते हैं। सही नहीं हो रहा। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना उनकी नात में, जो पहुंचा हश्र में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम आए तो दुरूद पढ़ते रहे, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम आया। वाह वाह, काश हम सबको यही कह दिया जाए कयामत में कि ये मोहम्मद के गुलामों के गुलामों के गुलाम आए। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग को ये निस्बत मिली सहाबा किराम, सहाबा किराम में से तो हर शख्स उस कामिल निस्बत का हामिल है, लेकिन आप देखें तारीख के हवालों को नीचे चलें तो आपको अजीब अजीब नमूने मिलेंगे। एक नमूना हमें नजर आता है पहली सदी के आखिर में, अपने वक्त का ताकतवर खलीफा सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक, जिसे अपनी ताकत पे नाज है, बजा तौर पर नाज है, जिसको अपनी सेहत और कुव्वत और हुस्न और जमाल और मर्दाना वजाहत पर नाज है। हमारे तलबा ने नफतुल अरब में उसके जुमले पढ़े होंगे ना, सैयदुल हबहाब और क्या क्या अल्फाज हैं। दुनिया का ताकतवर इंसान है, इसलिए कि दुनिया इस्लाम, उस वक्त की दुनिया में इस्लामी हुकूमत सबसे बड़ी हुकूमत थी। वो ताकतवर इंसान मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के सहन में बैठा है। क्यों बैठा है? एक बड़े मियाँ बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। कैसे हैं वो बड़े मियाँ? लिखा यूं है कि वो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि पैर, एक पैर बेकार है, पता चला एक हाथ भी बेकार है, और शक्ल कैसी है? काला रंग है, चपटी नाक है, छोटी आंखें हैं, चेहरे पे चेचक के दाग हैं। अजीब बात है, और मामूली से कपड़े हैं, और सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक इंतजार में बैठा है कि उनका उनकी नमाज पूरी हो तो मुलाकात करे। नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरा, खलीफा ने आगे बढ़ के मुलाकात की, कुछ मसाइल पूछे, और उसके बाद दुआ की दरख्वास्त करके रुख्सत हुआ। उसके साथ में शहजादे थे बहुत से उसके खानदान के। एक शहजादा उन बड़े मियाँ को पहचानता नहीं था, मगर उसे ताज्जुब था कि ये कौन आदमी है जिसके सामने हमारा ये बाप, हमारा ये खलीफा, ये ताकतवर इंसान इस तरह झुका बैठा है। उसने पूछा कौन है ये, तो खुद खलीफा ने कहा कि अभी पता चलेगा। एक आदमी को बुलाया ऐलान करने वाले को, और उससे कहा कि ऐलान कर दो कि हज के इन अय्याम में अगर किसी को फतवा पूछना है तो अता इब्ने अबी रबाह से पूछे। उन साहब का नाम, वो बड़े मियाँ जो नमाज पढ़ रहे थे, अता इब्ने अबी रबाह है। मामूली से खानदान से ताल्लुक था, दीन का इल्म हासिल किया, और मुख्तसर लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत मिल गई तो अता इब्ने अबी रबाह की शख्सियत वजूद में आई। उस ज़माने में शख्सियात का कहाँ तक इंतखाब किया जाएगा, पूरी उस दौर की तारीख को आप उठा कर देखें तो हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। मगर आगे बढ़कर एक नाम, एक तज़किरा एक शख्सियत का करते हैं, किसी को भी मिल सकती है निस्बत। ईरानी नस्ल के एक नौ मुस्लिम ख़ानदान के एक साहब को मिल गई, अजीब बात है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत नौ मुस्लिम घराने के ईरानी नस्ल के एक साहब को मिल गई, उनका नाम है नौमान। और जब निस्बत मिल गई तो दुनिया के सामने तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा फकीह इमाम आज़म अबू हनीफा की शक्ल में आता है। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा इस्लामी तारीख की वो मोहसिन शख्सियत हैं जिन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़ही मसाइल का इस्तिंबात करके और अजीम उशान फ़िक़ही ज़खीरा मुरत्तब करके अमली तौर पर यह साबित किया कि दुनिया के हर मसले का हल इस्लामी कानून में मौजूद है। और अगर इंसाफ से देखा जाए, बेइंसाफी करने वालों का तो कोई इलाज नहीं, लेकिन जो इंसाफ से देखेगा वो ये एतराफ़ करने पर मजबूर होगा कि यूनान के और रोम के कवानीन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते जो फ़िक़्हे इस्लामी मुरत्तब किया है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। आज कुछ लोग
इधर उधर की बातें करते हैं, मेरा मौजू दूसरा चल रहा है, मुझे वो बात उस उधर जाना नहीं है, मगर क्या करें, तकलीफ होती है तो बात जबान पर आती है। इमाम अबू हनीफा पर कीचड़ उछाली जाती है और लोगों का आलम यह है कि मैंने एक मदरसे का फतवा पढ़ा, मैं नाम नहीं लेता, समझ जाएंगे आप, एक मदरसे से किसी मुफ्ती साहब से एक मुस्तफ्ती ने तीन मसले पूछे अपने सवालनामे में, जवाब में दो मसलों का जवाब लिख दिया इसलिए कि हदीस में वो दोनों मसले मिल गए, और तीसरे मसले के बारे में लिखा कि इसका जवाब हदीस में नहीं मिला, आप कहीं और से पूछ लें और जो मालूम हो हमें भी बताएं। ठीक ठीक अब कोई बताए कि ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करने का सबब बनेंगे या नहीं? कोई दूसरा आदमी कह सकता है कि तुम्हारे मजहब में इसका हल नहीं है, तुम्हारे रसूल के हदीस में इसका हल भी नहीं है, एक छोटे से मसले का, और फिर कीचड़ उछाली जाती है इमाम अबू हनीफा पर। खैर हम वापस चलते हैं, बात चल रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की, इमाम आजम अबू हनीफा हो या इमाम मालिक, अल्लाहु अकबर, मदीने वालों को भी तो मिलेगी ना निस्बत, मदीने का इमाम, मदीने की शान, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत के मोहसिनीन में से अजीम शख्सियत, खलीफा ये दरख्वास्त करता है कि आप मेरे बच्चों को हदीस पढ़ा दें आकर। फरमाया कि नहीं, यहीं आना पड़ेगा, इल्म हासिल करने के लिए आम तालिब इल्मों की तरह आना पड़ेगा। कहा कोई वक्त खास कर दिया जाए, नहीं खास नहीं किया जाएगा, सबके साथ ही पढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना, इल्म का ये मकाम है। अजीब शख्सियत है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की, उम्मत की मोहसिन शख्सियात में से है। कई कई मामलात ऐसे हैं जिनमें उम्मत को बाकायदा अजीम रहनुमाई मिली है, जैसे काबतुल्लाह की तामीर का मसला है, आपको मालूम है कि कुरैश ने जो तामीर की थी उसमें ये हतीम का जो हिस्सा है जैसे अब है वैसे उन्होंने बनाया था, इसलिए कि उन्होंने ये तय किया था कि हलाल पैसे से ही बनाएंगे, और उसमें जो उस वक्त उनके पास पैसा था पूरे काबे की तामीर नहीं हो सकती थी, तो थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने छोड़कर दीवार कर दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल रहा, या हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, आइंदा साल रहा तो मैं काबे को दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर तामीर कर दूंगा, यानी पूरे काबे की एक इमारत बना दूंगा, और अभी बना देता लेकिन अभी ताजा ताजा मुसलमान हुए हैं, उनके ईमान में कमजोरी आ सकती है इस काम के करने से। आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई, आप तशरीफ ले गए, खुलफाए राशिदीन का जमाना भी गुजर गया, आखिर में वो वक्त आया तकरीबन 60 बरस के बाद कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए उस पूरे खित्ते के, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा किया और काबे की तामीर उसी तरह कर दी जैसे आप चाहते थे। उनकी शहादत के बाद हज्जाज साहब आए और उन्होंने इब्न जुबैर की तामीर थी लिहाजा उसको तोड़ के फिर वैसे ही बना दिया जैसे पहले से बना हुआ था। अब उसके बाद जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में गालिबन खलीफा मंसूर का दौर था, वो हारून रशीद, उन्होंने उनसे मशवरा किया कि अगर आप कहें तो हम उस तरह बना दें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने फरमाया कि छोड़ दो, अब न छेड़ो, इसलिए कि अगर ये सिलसिला यहाँ न रोका गया तो ये बादशाहों के हाथों का खिलौना बन जाएगा, इसकी अजमत बाकी नहीं रहेगी। क्या रहनुमाई है उम्मत के लिए, अजीब व गरीब रहनुमाई है, बेशुमार चीज़ें। इसी तरह से उनसे कहा कि आपकी किताब मौत्ता इमाम मालिक जो है इसको हम पूरी इस्लामी दुनिया का कानून बना दें, लाजिम कर दें कि सबको इसी के मुताबिक अमल करना है। फरमाया नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अलग अलग लोगों के ज़रिए अलग अलग अंदाज से पहुँची हैं, सबको उसके पर अमल करने दो जिस तरह कर रहा है, ये फितने की बात होगी और गोया अल्लाह ताला की तकवीनी मसलहत के खिलाफ बात होगी। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। और उसके अलावा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं, ऐसी अजीम शख्सियत है, अलैय सियाब लौ युबाउ जमीउहा बिफलसिन लकान अलफलस मिनहुन्न अक्सरा, मेरे कपड़े जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर एक पैसे में बेचे जाएं तो एक पैसे भी कीमत उनकी नहीं लगेगी। वफीहिन नफ्सुन लौ युकासु बिबादुहा जमीउल वरा कानत अजल्ल व अख्तरा, मगर इन बोसीदा कपड़ों के अंदर जो रूह है, जो जान है,
वो इतनी ताकतवर है, शायर भी तो है ना, फरमाते हैं इतनी ताकतवर है कि सारी मखलूक को उसके मुकाबले में नापा जाए तो वो ज्यादा साबित हो। अल्लाह अकबर, क्या ताकत है ये? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत है। इमाम अहमद इबन हम्बल अल्लाह अकबर, वो उम्मत की अजीम महसिन, अजीम मुकद्दस शख्सियत, जिन्होंने एक वक्त में अपने बदन पर 70-80 बरस की उम्र में 70-70 कोड़े खाकर इस उम्मत के ईमान को बचाया। हुकूमत ने एक बातिल मसले को पकड़ लिया था और उनसे वो बातिल कहलवाना चाहती थी, इमाम अहमद ने साबित कर दिया और नमूना छोड़ दिया कि अल्लाह की राह में तकलीफें बर्दाश्त करना ये उलमा का काम है और इस उम्मत के उलमा कयामत तक जब जरूरत पेश आएगी ये काम करते रहेंगे। ये निस्बत की ताकत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। मेरे बुजुर्गों, ये निस्बत किसी को भी मिल जाए, एक बड़ी भी है उसी जमाने की, पहली सदी की, उनको मिल गई तो अजीब बात है। एक औरत है मामूली सी, ना वो कहीं की हाकिम है, ना कहीं की आलिमा है, ना कहीं मुहद्दिसा है, मगर आज तक उसका नाम जिंदा है, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा। निस्बत मिल गई ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत मिल गई, ताकत पैदा हो गई शख्सियत में और जिंदा हो गई शख्सियत। बेशुमार नाम हैं उन उस सिलसिले से नीचे अगर आए, बल्कि उस खित्ते से इधर आ जाएं तो हमें मिलेगा, निस्बत मिली, अजीब निस्बत मिली। बगदाद के इलाके में हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत तो हर जगह मिली, सारी दुनिया में फैली ना, लाख सितारे हर तरफ, जुल्मते शब जहां जहां, एक तुलू है आफ्ताब दश्तो चमन सहर सहर, बेशक हुजूर की निस्बत का नूर सारी दुनिया में आम हुआ है। मिल गई एक पहलवान को, किसी को भी मिल सकती है तो अल्लाह का करम है, एक पहलवान है दंगल में उतरता है, उसके मुकाबले में जो पहलवान है वो देखने से लगता है कि इसका एक हमला भी नहीं सह सकता, मगर उस पहलवान ने जब कुश्ती लड़ी तो पता चला कि ये ताकतवर पहलवान एकदम जेर हो गया। मजमे ने कहा कि नहीं, कोई धोखा हुआ है, हमारा ये पहलवान, शाही पहलवान नहीं मात खा सकता। दोबारा मुकाबला हुआ, फिर गिर गया, तीसरी बार हुआ, फिर गिर गया। क्या किस्सा है? वो सामने वाला जो है वो कहता है, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ, आप अगर हार भी गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे इनाम मिल जाएगा। वो ताकतवर पहलवान, वो उसकी जो ताकत थी जिस्मानी ताकत थी, मगर उसको अल्लाह की तरफ से रूहानी पहलवान बनना मुकद्दर था, अपने आप को जिस्मानी पहलवानी के मुकाबले में जेर कर लिया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। सुभानअल्लाह, क्या ताकतवर शख्सियत है, आज तक जुनैद का नाम जिंदा है। बुजुर्गी की मिसाल दी जाएगी तो कहा जाएगा जुनैद बायजीद। निस्बत मिली बगदादी के रहने वाले एक आदमी को, छोटा सा बच्चा है, पढ़ने जा रहा है, आपने पढ़ा है किताबों में किस्सा सच बोलने का, वालदा ने 40 दिरहम कपड़े में सी दिए हैं, चोरों ने हमला कर दिया है, तुम्हारे पास भी कुछ है? कहने लगे हाँ है। कहाँ है? इसी में है। क्यों बता दिया? अम्मी ने कहा था सच बोलना है। मिलनी थी निस्बत तो दुनिया के सामने इमामुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आई, क्या एक आलम को मुनव्वर कर दिया उनकी शख्सियत ने। वहीं से एक और शख्सियत चली वो निस्बतें लेकर, और उसने आकर हिंदुस्तान के अंधेरों में रोशनी फैलाने का काम किया। आप समझ ही गए होंगे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग गलत समझ रहे हैं कि हम आजकल ख्वाजा साहब का नाम लेने लगे, बिल्कुल गलत बात है, हम पहले से लेते हैं, हमेशा से लेते आए। हमारे अकाबिर की तारीखें उठाकर देखें तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें, उसमें ये मिलेगा अरवाह सलासा में लिखा है कि शाह इसहाक साहब हज को जा रहे हैं, रास्ता अजमेर की तरफ से है जाने का, उनके एक शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि हज़रत यहाँ आजकल मैं बहुत ज़ोर व शोर से वाज़ कह रहा हूँ ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिद वाली हदीस पर,
यानी कोई मज़ार की ज़ियारत के लिए सफ़र नहीं करना चाहिए, इस पर मैं वाज़ कह रहा हूँ और लोगों में उसका असर भी होने लगा है। अगर आप आएंगे तो मेरे वाज़ का असर ख़त्म होगा, या तो आपसे कोई बदगुमान होगा या वो यूँ कहेंगे कि शाह इसहाक खुद आ गए और उनका ये शागिर्द खामखा के वाज़ कर रहा है। हज़रत ने फरमाया, भाई मैं अगर अजमेर से गुजरूँ तो ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिर ना हूँ ये तो हो नहीं सकता। तुम ऐसा करो, मैं तो आऊँगा मगर तुम अपने बयान में ये कहना कि मसला वही सही है जो मैं बता रहा हूँ और इसहाक ने यहाँ आकर गलती की। अल्लाह आप समझे, हज़रत अक़दस्तान भी रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिए में लिखा कि क्या जमा किया है शरीयत की हिफाजत को और अपने फिर ज़ौक को, दोनों बातों को जमा कर दिया और अपनी इज्जत की कोई परवाह उसमें नहीं की। और सारे काबिर का यही मामला है ख्वाजा साहब के साथ। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में आप उठाकर देखें और हज़रत की के अल्फाज उनके बारे में देखें तो अंदाज़ा होगा। आज नहीं लिया जा रहा है नाम हमारे, सच्ची बात यह है कि खामखा कुछ लोगों ने इन बुज़ुर्गों को, क्या कहूँ मैं आजकल की ज़बान में, उनके नाम को हाईजेक कर लिया है। वरना हकीकत में ये सारे के सारे अकाबिर जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची निस्बत के और हुजूर की सुन्नतों के इमाम हैं। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाह मरकदऊ ने लिखा कि हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब सिर्फ सिलसिले चिश्तिया के ही नहीं बल्कि एक एतबार से इस सिलसिले इस्लाम के बानी हैं। माशाल्लाह जी, हालांकि इस्लाम पहली सदी में हिंदुस्तान में आ गया था मगर कई सौ साल तक इस्लाम का सिलसिला इस तरह का था कि मुख्तलिफ खित्तों में मुंतशिर तौर पर मुसलमान पाए जाते थे। ये जो आबादियों की आबादियां मुसलमान हुई और खित्ते के खित्ते मुसलमान और इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुए, ये ख्वाजा साहब की मेहनत के बाद हुआ। ये बरकत किसकी है? उसी निस्बत की जो वहाँ से चल रही है और आज भी एक आलम को अपनी ज़िया से मुनव्वर कर रही है। और फिर आ जाएं इधर, इस जुल्मत कदे हिंदुस्तान में भी ये निस्बत आई है और बार बार आई है और ताकतवर अंदाज में आई है। पंजाब, अल्लाह अकबर, पंजाब के इलाके में पहुंच गई ये निस्बत। तो क्या हुआ? एक ऐसा इंसान तैयार हुआ कि इकबाल ने कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार। और आगे के शेर भी सुन लीजिए, वो लोग जो इन सारे बुजुर्गों को मैं भी कह रहा था कि अपनाए हुए बैठे हैं उनके तरीके से हटकर, कहते हैं कि की अर्ज ये मैंने कि अता फक्र हो मुझको, आंखें मेरी बीना हैं वलेकिन नहीं बेदार, आई ये सदा सिलसिले फक्र हुआ बंद, हैं अहले नजर किश्वरे पंजाब से बेजार, आरिफ का ठिकाना नहीं वो खित्ता के जिसमें पैदा कुलह फक्र से हो तुर्रे दस्तार, कायम कुलह फक्र से था वल वलय हक, तुर्रों ने चढ़ाया नशे खिदमत सरकार। नजर करता हूं उन लोगों की जो नशे खिदमत सरकार से आजकल चूर हैं, जाहिर है कि बिल्कुल इस जमाने में ये नमूना हमें नजर आ रहा है जो इकबाल ने कहा था। क्या ताकतवर शख्सियत है, बादशाह की ताकत का मुकाबला, वो बादशाह जो हिंदुस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन बादशाह है, अकबर आजम उसको कहा जाता है, उसकी ताकत का मुकाबला, उसके घड़े हुए दीन का मुकाबला। एक तरफ सोचें आप जरा कि पूरी हुकूमत की ताकत से एक नजरिया फैलाया जा रहा है और एक तरफ एक फकीर बोरिए पर बैठकर उसका मुकाबला कर रहा है, क्या ताकत है ये? आखिर ये ताकत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की। ये निस्बत बढ़ी और हमारे खित्ते में पहुंची तो एक छोटे से गांव के रहने वाली एक शख्सियत पैदा हो गई दिल्ली में। फुलत की नस्ल है और दिल्ली के नाम से मशहूर है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत तैयार हुई। हिंदुस्तान में
इस्लाम के मुहसिनीन का जब नाम आएगा तो ख्वाजा अजमेरी और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इल्मी एतबार से सबसे बड़ा मोहसिन जिसको कहा जाएगा वो शाह वलीउल्लाह की ज़ात गिरामी है। यहां सब कुछ पढ़ लिया था, इल्म से फारिग हो गए थे, मगर वो निस्बत मिलनी थी। पहुंच गए सफर करके मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हमारे एक बुजुर्ग एक शेर पढ़ा करते थे हकीम नन्नू मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वहां से आए तो जबान हाल से ये शेर पढ़ते हुए आए कि नसीतु कुल्ल तरीकिन कुंतु आरिफुहु इल्ला तरीकन युअद्दीनी इला रिबइकुम, मैं हर रास्ता भूल गया हूं सिवाय उस रास्ते के जो आपके घर की तरफ जाता है। सुन्नत का और हदीस का नूर लेकर आए और हिंदुस्तान के अंदर आम कर दिया, और ऐसा आम किया कि पूरी दुनिया में हदीस का नूर फिर हिंदुस्तान के जरिए फैला। मेरे बुजुर्ग को ये निस्बत बढ़ी, आगे चली, एक सैयद जादे को मिली, सबको मिलती है ना, जब हबशी जादे को मिल सकती है तो सैयद जादे को क्यों नहीं मिल सकती। राय बरेली के रहने वाले एक सैयद जादे को मिली तो अल्लाहु अकबर क्या शानदार शख्सियत तैयार हुई, हजरत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके बारे में हमने अपने बड़ों से सुना कि हमारे सारे अकाबिर सैयद साहब का एहतराम करते थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि जो उनकी सोहबत में कुछ देर बैठ जाता था सारी जिंदगी के लिए इत्तिबाए सुन्नत उसकी तबीयत में पैदा हो जाता था। सुभान अल्लाह। दौरा किया हिंदुस्तान का और एक अजीब गूंज पैदा कर दी। खलीक निजामी ने कहा, उसमें लिखा है उन्होंने मुकदमे में, कि हर तरफ ये आवाज गूंजने लगी कि इलाही इलाही मुझे भी शहादत नसीब, ये अफजल से अफजल इबादत नसीब। मेरे बुजुर्गों ये निस्बत बढ़ी, आगे चली, हमारे इलाके का एक छोटा सा कस्बा, अब भी छोटा सा कस्बा है, उस जमाने में तो गांव होगा, नानोता, वहां के रहने वाले किसान के बेटे को मिल गई, गांव के आदमी थे असद अली साहब, उनके बेटे को ये निस्बत मिल गई, और बेटा भी कैसा कोई लहीम शहीम आदमी नहीं था, हल्के मामूली जिस्म वाला, मामूली कपड़ों वाला, मगर जब ये निस्बत आ गई तो दुनिया के सामने हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की वो ताकतवर शख्सियत आई कि अब शाह वलीउल्लाह के बाद सबसे बड़ा इल्मी मोहसिन अगर किसी को कहा जाएगा तो हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी। मौलाना नसीम अहमद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़म कह रखी है, शाह वलीउल्लाह और देवबंद, साकी दहली के मस्तों ने बअर्ज देवबंद जब रखी बुनियाद मै खाना बतौर यादगार, दौर दौरा सागर सहबाए तैबा का हुआ, जुरा नौशान अजल आए कतार अंदर कतार, कासिमो महमूद व अनवर ने लुंढाए खुम के खुम, अपनी वसअत के मुताबिक पी गया हर बादखार, इसके हर मैखार को पीरे मुगा का हुक्म है, बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। माशाल्लाह। और लंबी नजम है, एक शेर और अर्ज करता हूं और सच कहता हूं कि सच्चा है वो शेर अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी प्रोपेगंडे के लिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलते हैं कि एक जुमला, आज भी आफाक में इसमें कदे की धूम है। बेशक बेशक है। आज भी आफाक में उसमें कदे की धूम है, चार जानिब से सिमट कर आ रहे हैं बादखार। बेशक ये निस्बत की बरकत है, उसी निस्बत की बरकत है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत है। उसके नतीजे में वो इदारा वजूद में आया जिसको देखकर अपने वक्त के एक बड़े मुबस्सिर, आलम इस्लाम के एक बड़े दीदावर शख्स अल्लामा रशीद रजा मिस्री ने, उनके सफरनामे में वो लफ्ज आज भी लिखा हुआ है, लव लम अरहा लरजअतु मिन अल हिंद हजीना, अगर मैं इस मदरसे को ना देखता तो हिंदुस्तान से गमगीन जाता।
मुझे इस पर ज्यादा मैं कहूंगा तो लोग समझेंगे कि तो मदरसे का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। नहीं, जरूरत है, कोई बात हो रही है निस्बत की ताकत की। ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत है कि ये दुनिया में जारी है और जारी रहेगी, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। मैं अभी जरा उस तसलसल पर बात करूं, ये निस्बत बढ़ी और मिली एक और शख्सियत को, करीब के इलाके की शख्सियत, उन्हीं के साथ ही इमाम रब्बानी। कुछ लोगों को इश्काल है, इतराज है, इमाम रब्बानी कहा जा रहा है, कुतुबे इरशाद कहा जा रहा है, परेशान है वो लोग। आए वो हकीकत को आकर देखें, कुतुबे इरशाद इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को नमूना दिखाएगा कोई अमल करके। नारे लगाना और प्रोपेगेंडे करना अलग बात है, मगर यह हकीकत लिखी हुई है कि उनके खलीफे खास और शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने मदीना तय्यबा से, जब वो वहां पढ़ाते थे मस्जिद नबवी में, वहां से रोज़े अकदस पर सफाई करने वाले साहब के जरिए से रोज़े अकदस की खाक, वो जो ऊपर जमा हो गई होगी गर्द, वो इकट्ठी करके वो तबर्रुक के तौर पर उन्होंने दी, वो अपने शेख हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को भेज दी। तो कान खोल कर सुन ले, इश्क रसूल का दावा करने वाले कभी ये काम उन्होंने नहीं किया होगा। हजरत ने फरमाया वो खाक हमारे सुरमे में शामिल कर दी जाए। खाके मदीना को सुरमा बनाना शायरी में तो बहुत आसान है, मगर हकीकत में सुरमेदानी के सुरमे में मिला लेना मामूली बात नहीं है। अल्लाह ये बरकत होती है इश्क रसूल की, और ये बरकत होती है निस्बत की। मेरे बुजुर्गों, ये निस्बत चली और मिली, देवबंद को भी तो मिलनी चाहिए थी ना, देवबंद के रहने वाले एक साहब को, और दुनिया के सामने वो ताकतवर शख्सियत आई जिसको शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है, जिनके बारे में किसी ने यूं कहा था कि इस शख्स की तबीयत में दो इस्लाम के दुश्मनों से, अंग्रेजों से इस दर्जे दुश्मनी है कि अगर इसको जलाकर राख बना दिया जाए तो उस राख से भी अंग्रेज दुश्मनी सामने आएगी। अजीब ताकतवर शख्सियत है। बोरिए पर बैठकर एक आदमी दरसगाहों के की चटाइयों पर बैठकर दुनिया की एक बड़ी ताकत से टक्कर लेने का मंसूबा यूं ही बना लेगा? कोई तो ताकत होगी, वो ताकत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत। मेरे बुजुर्ग को ये ताकत मिली, ये निस्बत मिली। एक और छोटा सा कस्बा उसी इलाके का, वहां के रहने वाले एक साहब को मिल गई, तो अल्लाह अकबर, दुनिया के सामने इल्म फन का वो अजीब इल्म फन की करामत सामने आई। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नवरल्लाहु मरकदहु, जिनके कलम से अल्लाह ताला ने तकरीबन 1000 किताबें लिखवा कर शरीयत के हर गोशे की तशरीह का हक अदा करा दिया, और वो कारनामा अंजाम पाया कि इस उम्मत की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख के अगर बड़े बड़े मुसन्निफीन की छोटी से छोटी फहरिस्त बनाई जाए तो हकीमुल उम्मत के नाम के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे बुजुर्गो, वो उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, ये निस्बत चली और मिली कश्मीर के अजीब पहाड़ी इलाके के एक साहब को। वो बेचारे आए ऐसे इलाके से कि उनके इलाके से इधर आने के लिए किसी सवारी का भी इंतजाम नहीं होता था, पानी पर तैर कर आना पड़ता था। तो दुनिया के सामने खातमुल मुहद्दिसीन अपने वक्त के इब्ने हजर और ऐनी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आई, जिनको देखकर लोगों की समझ में आ गया कि पहले के लोगों के हाफजे किस तरह के हुआ करते होंगे और पहले के इंसान कैसे हुआ करते होंगे। वो निस्बत बढ़ी और मिली। थोड़ा सा हमारे इलाके से आगे जाकर एक गांव के रहने वाले एक सैयदजादे को, तो दुनिया के सामने एक अजीब ताकतवर शख्सियत वजूद में आई
शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू की। इश्क रसूल के दावे और बसारी बातें अपनी जगह, लेकिन इस सआदत का कौन मुकाबला कर सकता है कि शेख उल हिंद के उस फर्जंद ने, दारुल देवबंद के उस सपूत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ अक़दस के करीब बैठकर और गोया इस तरह से इशारा करके कि इस रोज़ अक़दस के मकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 14 साल तक, मुतफर्रिक तौर पर 18 साल तक, मुसलसल 14 साल तक अल्लाह के नबी की हदीस का दर्स दिया और इस शान के साथ दिया। दावे नहीं हैं, बेवजह की बातें नहीं हैं, तारीखी हकीकत है। जितने भी सबक के हलके मस्जिद में थे, शुरू में कुछ तलबा थे, उसके बाद दूसरे हलकों से आने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि दूसरे हलकों के असातिज़ा भी सबक में आकर बैठने लगे। ये निस्बत मिली एक और साहब को, कमज़ोर से आदमी थे, मगर अल्लाह ताला ने निस्बत की ताकत दे दी तो दुनिया के सामने इमाम तबलीग हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कानलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू की शख्सियत आई। क्या बात है आखिर, सोचे तो ज़रा, कमज़ोर से कमज़ोर आदमियों से कितने बड़े बड़े काम वजूद में आते हैं। कैसे आते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत से आते हैं। ये निस्बत बढ़ी और चली, कहाँ तक बयान करें मिसालें। अल्लाहु अकबर, एक दो मिसालें और अर्ज करके मैं अपनी बात दूसरी तरफ ले जाकर समेटूं। मिली कांधलेही के रहने वाले एक साहब को, तो अजीब व गरीब शख्सियत, इल्म और तसव्वुफ का अजीब मजमा और संगम शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की ताकतवर शख्सियत वजूद में आई, जिनकी तसानीफ को अरब व अजम के उलमा ने खिराज अकीदत पेश किया और आज उनकी मेहनतों के नमूने इस तरह से दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि ताज्जुब होता है। हम तुर्की में एक बुजुर्ग से, एक मुहद्दिस से मिलने के लिए गए तो उनसे जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो वो सबक पढ़ा रहे थे अबू दाऊद शरीफ का, और इस तरह पढ़ा रहे थे कि उनके सामने अबू दाऊद के मतन के बजाय बजलुल मजहूद खुली हुई रखी थी। हजरत मौलाना खलील अहमद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू की, जो हजरत शेख की मेहनत के साथ तैयार हुई। ये निस्बत मिली राय बरेली ही के एक और सैयद साहब को, तो दुनिया के सामने मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी नव्वर अल्लाह मरकदहू की शख्सियत आई। क्या पाकीज़ा शख्सियत, क्या मुकद्दस शख्सियत, जिसकी ताकत के, जिसकी दावत की ताकत को अरबों ने माना। आसानी से वो किसी को खातिर में नहीं लाते, मगर ये क्या चीज़ है? ये काबिलियत की ताकत नहीं है, ये इल्म की ताकत नहीं है, ये ताकत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत। तो मेरे बुजुर्गों, आज जो हम बैठे हैं, मकसद ये है कि हम कमज़ोरों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत का कुछ हिस्सा मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा, चंद मिनट में मैं अपनी बात समेटता हूँ। हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया के मोहतरम कायद हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ फरमाएँ और हम सभी को इस्तेफादा करना है। तरीका ये होगा इस निस्बत को हासिल करने का कि हम ये महसूस करें कि हमारे करने का काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के मोहसिन, पूरी कायनात के मोहसिन हैं और हर मोहसिन के कुछ हक आदमी के ज़िम्मे हुआ करते हैं। उन हुकूक को अदा करने से वो निस्बत हासिल होगी। उलमा ने हुकूक के मौजू पर मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, मगर सादा तौर पर चंद हुकूक का की फहरिस्त ही तकरीबन कह लें जिक्र करना मुनासिब समझ में आता है। उलमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुकूक को जो बयान किया, तो सबसे पहला हक तो वो है जिसको हर आदमी समझता है, जानता है और उसके बगैर मुसलमान ही नहीं हो सकता, अल ईमानु बिही, आप पर ईमान लाना। जाहिर है कि नबी आते ही इसलिए हैं कि उन पर ईमान लाया जाए, उनकी नबुव्वत का यकीन रखा जाए। आप पर ईमान लाने के बाद दूसरा
दूसरा हक है इत्तिबाउहु। जब आप ईमान ले आए तो अब इत्तिबा करना है, और कैसे करना है, इधर उधर के अल्फाज की जरूरत नहीं, कुरान के अल्फाज को सुन लें जो मैंने आयत पढ़ी थी, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल भी नहीं भेजा मगर इस मकसद से कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, और अगर ये लोग गलती करने के बाद आपके पास आए थे, फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फरलहुमुर रसूल, और वो भी अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करते, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। आगे फरमाया फला वरब्बिका ला युमिनून, कसम है आपके रब की इनका ईमान काबिल एतबार नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक के अपने आपस के इख्तलाफात में ये आपको अपना हकम बनाए, आपका फैसला तस्लीम करें, सो मलाय जिदोफी अनफुसिहिम हराजम मिम्मा कदईता, और फिर आपके फैसले से अपने दिलों के अंदर कोई तंगी महसूस न करें, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और पूरे तौर पर आपकी बात के सामने सर तस्लीम खम करें। यह है आपका दूसरा हक इत्तिबाउहु। तीसरा हक उलमा ने बयान किया महब्बतुहु, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत। महब्बत पर क्या कहा जाए, अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, रहम फरमाया है कि हमारे दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत खुद ही डाल दी है। सच्ची बात है, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत न डाली होती, और याद रखें ये मोहब्बत हमारे ईमान की मुहाफिज है। बेशक वो जो अल्लामा इकबाल ही की एक नज़म है, इबलीस का पैगाम अपने फर्जंदों के नाम, यानी गोया इबलीस अपने कारिंदों को जो मिशन देता है उसको उन्होंने नज़म किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, यानी वो ये महसूस करता है शैतान कि ये जो मुसलमान है इसके दिल में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जमी हुई है, ये मोहब्बत इसको इधर उधर जाने नहीं देती, तो ये रूह निकालनी पड़ेगी। तो आपकी मोहब्बत ये आपका तीसरा हक है। और उसके बाद चौथा हक उलमा ने बयान किया अज़्ज़बु अन्हु, आपका दिफा करना। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां होती हैं और हम मुसलमान उन गुस्ताखियों के पेश आने पर अपनी जान वाकई कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्ची बात है, हमें यकीन है इस बात का कि किसी काम के लिए जान दे सके ना दे सके, मगर इस काम के लिए आसान है जान देना हर मुसलमान के लिए। लेकिन समझने की बात यह है कि करने का काम फकत ये नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बदबख्त ने अपने बख्त को सियाह किया गुस्ताखी करके, तो हम उसके खिलाफ जलसे जुलूस करके और नारे करके खामोश होकर बैठ जाएं। जो मैंने कहा था ना कि मैं आखिर में अर्ज करूंगा, मुझे अर्ज ये करना था कि आप अगर जाकर देखें नेट पर, तो मुझे तो ताज्जुब हुआ, मेरे बच्चे ने एक दिन मुझसे मोबाइल लेकर मुझे एक चीज दिखाई, उसने कहा कि देखें ये अरबी जबान में, मैं इंग्लिश नहीं जानता, अरबी में मैंने देखा है, यकीन है कि इंग्लिश में उससे ज़्यादा होगा, दूसरी जबानों में उससे ज़्यादा होगा, बाकायदा सीरियल हैं जिनमें से हर एक हर दिन का की जो किस्त है वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की है, और मैंने जो सीरियल देखे तीन, यानी पूरे नहीं देख सका, लेकिन हर एक की 400 450 किस्तें आ चुकी हैं, नेट पर मौजूद हैं। एक नाम है उसमें अल अखरशीद, वो नाम है, कभी मुसलमान रहा होगा अब वो मुर्तद है, और वो सीरियल बना चला रहा है, वो बैठकर एक घंटे सवा घंटे डेढ़ घंटे बाकायदा दलाइल, अपने ख्याल में दलाइल के साथ बात करता है, अरबी में बात करता है, शानदार अरबी में, फसी अरबी में, समझ में आने वाली अरबी में, बड़े समझाने वाले लहजे में, और
उसके पास तमाम किताबें होती हैं, वो कुर्तुबी खोल के दिखा रहा है, वो इब्ने कसीर खोल कर दिखा रहा है, वो सीरत की किताबें खोल कर दिखा रहा है। 461 किस्तें उस वक्त आई थी जब 1.5 महीना पहले मैंने देखा था, और आप जरा गौर करें क्या क्या उसमें होता है। हल मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये किस्त का उन्वान है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो इस पर बहस करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हो सकते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हो सके, नऊज़ुबिल्लाह। इससे आगे सुने, मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हम लोग कुछ तो बेदार हों, कुछ तो करने के लिए तैयार हों। वो एक सीरियल, एक किस्त का उनवान है, हल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचे जरा, और वो बाकायदा अपने ख्याल में दलाइल देता है इस बात के कि आपका नसब वो नहीं है जो बताया जाता है। ऐसी ऐसी खबासतें मौजूद हैं, और मैं बाकायदा तहकीक नहीं कर सका, लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है ये सीरियल मिस्र में बैठकर बनाए जा रहे हैं, इस्लामी मुल्क जो कहलाता है उसमें बैठकर बनाए जा रहे हैं। उर्दू में भी है, मौलाना फरमा रहे हैं मां महमूद साहब, हर जबान में होंगे। तो अब सोचें जरा कि हमारे करने का क्या है। हमारा हाल तो यह है कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुनियादी बातों का पता नहीं है। हम उन ज्यादा मालूमात रखने वालों की आंखों में आंखें डालकर जवाब कैसे दे सकते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम का हक है आपका दिफा करना, और दिफा का मतलब खाली नारे लगाना नहीं है, बल्कि जिस मैदान में जिस अंदाज से आप पर हमला किया जाए उसका दिफा किया जाए। छठा हक बयान किया उलमा ने, तौकीरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत अपने दिल में रखना। सातवां हक बयान किया, अस्सलातु अलैहि, हुजूर अलैहि सलाम पर दुरूद भेजना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त भी एक बार पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मगर इस वक्त पढ़ के छुट्टी ना करें, रोजाना कम से कम सुबह शाम 100-100 मर्तबा दुरूद पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आठवां हक बयान किया, मैं बस इशारा करके अपनी बात खत्म करता हूँ, मौला तो औलिया ही वबुग्ध अदाई ही, आपके दोस्तों से दोस्ती रखना और आपके दुश्मनों से दुश्मनी रखना। अल्लाह अकबर। नहीं होगा ये हक? होना ही चाहिए। हमें अपने बाप के दुश्मनों से दोस्ती नहीं अच्छी लगती तो हम अपने आका के दुश्मनों से दोस्ती कैसे हो सकती है। नवा हक बयान किया, महब्बत अहली बैती ही व सहाबती ही, आपके अहले बैत और आपके सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत रखना। और दसवां हक बयान किया, ये अजीब अल्फाज हैं, अल इज्तिमा व अनिल जफा, अल इज्तिनाब व अनिल जफा मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जफा से परहेज करना, बेवफाई से परहेज करना। मेरा ख्याल है इसका मफहूम यह होना चाहिए कि आपकी सुन्नतों से मुंह मोड़ने का जो एक सिलसिला है, बिदातें करने का जो एक सिलसिला है, वो हुजूर के हक के साथ बड़ी बड़ी कोताही और बड़ा जुल्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ। हम दूसरों के जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मगर रोजाना हम तरह तरह की बिदातें करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म का काम कर रहे हैं। ज़रूरत इसकी है कि हम सब वापस आएँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लें कि वो ताकतवर निस्बत हम सब को हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुनाहगार बोलने वाले को भी और आप सबको भी और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची निस्बत नसीब फरमा दे, और इस निस्बत की बरकत से इस उम्मत के दिन फेर दे। आमीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين